बाद गूगल ने लॉन्च किया है पिक्सल 6a इंडिया में, जो कि एक सिंगल वेरिएंट 6+128GB में आपको देखने को मिलता है और इसका प्राइस करीब 44,000 के अराउंड आपको देखने को मिलता है। इस वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू, देखेंगे कि क्या 44,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर गूगल पिक्सल 6a आपको बाय करना चाहिए या नहीं। हाय गाइस, दिस इज रचना, वेलकम टू माय चैनल टेक्शार। तो बॉक्स यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही छोटे साइज का बॉक्स देखने को मिल रहा है। बॉक्स खोलने पर सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है ये फोन, उसके बाद आपको देखने को मिलती है USB टाइप सी टू टाइप सी केबल, और उसके बाद आपको मिलता है ये अडेप्टर जो कि टाइप ए टू टाइप सी है। बॉक्स में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता। वैसे ये फोन 18W यानी कि 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, यानी कि जो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है काफी कम दिया गया है इस फोन में, और साथ ही में चार्जर भी आपको बॉक्स में देखने को नहीं मिलता है। सो ऐसे में आपके पास अगर कोई पुराना टाइप सी वाला चार्जर है आप उसे यूज कर सकते हैं इसे चार्ज करने के लिए। 3W तक का भी मैंने चार्जर इसके साथ यूज किया है, वहां कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बात करें फोन की तो ये फोन आपको 3 कलर्स में देखने को मिलता है। यहां मेरे पास ये ब्लैक कलर है, वैसे ग्रीन और व्हाइट 2 कलर्स और हैं। अगर हम इस फोन के लुक्स की बात करें तो लुक जो है आउटस्टैंडिंग है फोन का, क्योंकि इसका डिज़ाइन यहाँ पर काफ़ी यूनिक है। पीछे कैमरा मॉड्यूल ज़्यादातर फोन्स में हमें लेफ्ट साइड पर मिलता है, बट यहाँ पर पूरे बैक साइड पर हमें एज टू एज देखने को मिलता है इसका कैमरा मॉड्यूल। फ़ोन जो है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आपको देखने को मिलता है फ्रंट पे। फ्रेम्स इसमें एल्यूमिनियम के आपको देखने को मिलते हैं। बैक पे आपको ऐसा लगता है कि ग्लास है, बट एक्चुअली इट इज़ अ प्लास्टिक बैक। ऑल्दो जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है और देखने में बिल्कुल ग्लास की लुक देता है, बट येस इट्स फिंगरप्रिंट मैग्नेट। 178 ग्राम्स इसका वेट है, काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़ोन है, स्पेशली फीमेल्स के लिए इट्स वेरी सूटेबल। एंड बाकी इन हैंड फील भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और फ़ोन की जो ग्रिप है वो भी अच्छी है। फ़ोन बिल्कुल भी यहाँ पर स्लिपरी आपको देखने को नहीं मिलता है। उस क्विकली इसके पोर्ट्स एंड बटन्स देख लेते हैं, तो यहाँ राइट साइड पर आपको वॉल्यूम रॉकर बटन देखने को मिलता है और पावर बटन देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड पर आपको सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जो सिम ट्रे है उसमें सिर्फ आप एक ही सिम कार्ड लगा पाएंगे, बट डोंट वरी यहाँ पर आपको 2 सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि एक फिजिकल सिम आप लगा सकते हैं सिम ट्रे के अंदर और एक ई सिम का सपोर्ट देखने को इस फोन में मिलता है, तो इट्स अ ड्यूअल सिम फोन एक्चुअली। नीचे की तरफ आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू स्पेशली मैंशन हेयर इज कि यहाँ पर जो टाइप सी पोर्ट है वो USB 3.1 टाइप है, यानी कि आप इसको एक्सटर्नल डिस्प्लेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये चीज़ जो है काफ़ी कम फोन्स में आपको देखने को मिलती है। बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ आपको 6.1 इंचेस का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है विद ओनली 60Hz रिफ्रेश रेट। तो अगर आप अभी ऑलरेडी 120Hz वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आप इस पर स्विच करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये फ़ोन जो है थोड़ा सा स्मूथ कम लगेगा। ऑल्दो आपको स्टटर्स देखने को नहीं मिलेंगे, बट फिर भी वो फ्लुइडिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी जो कि 120Hz में देखने को मिलती है। बट कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं फ़ोन में, कलर्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस करता है एंड व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं, एंड आउटडोर की भी जो विजिबिलिटी है वो अच्छी है। और फ़ोन की अच्छी बात ये कि यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको गूगल का अपना प्रोसेसर यानी कि गूगल टेंसर देखने को मिलता है, जो कि एक 5 nm पर बेस्ड प्रोसेसर है। और ये जो गूगल टेंसर है इसे सैमसंग के साथ गूगल ने डिज़ाइन किया है, आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। गेमिंग वगैरह भी काफ़ी स्मूथली आप कर पाएंगे और डेली यूजेज में भी फ़ोन काफ़ी स्मूथ चलता है, कोई भी स्टेटस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एंड ऐप्स वगैरह भी काफ़ी फास्ट लॉन्च होते हैं। LPDDR5 रैम है एंड UFS 3.1 का स्टोरेज इसमें देखने को मिलता है। आपको कोई भी एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन यहाँ देखने को नहीं मिलता, यानी कि 6GB का रैम है एंड 128GB का स्टोरेज है, और आप दोनों में से किसी को भी एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। सो येस, परफॉर्मेंस वाइज फ़ोन यहाँ पर आपको सही देखने को मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन ज़रूर करना चाहती हूँ कि अभी मैंने इसके कैमरा को यूज़ किया था, कुछ मतलब कैमरा सैम्पल्स लिए थे, तो मैंने जब वहाँ पर वीडियोस शूट की तो मुझे थोड़ी सी इसमें हीटिंग देखने को मिली, यानी कि थोड़ी देर अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग 3-4 वीडियो रिकॉर्डिंग्स करते हैं देन डेफिनेटली यू फील द हीट हियर। एंड बात कर लेते हैं इस फ़ोन की स्पेशलिटी यानी कि इसके कैमरा की,
अब यहाँ पर ओनली डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है बैक पे, सिर्फ दो कैमरास का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 12.2 मेगापिक्सल का है विद f1.7 अपर्चर और सेकेंड जो है वो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है विद f2.2 अपर्चर। एंड वन थिंग जो कि इस फोन को स्टैंड आउट करती है दूसरे फोन से, कि ज्यादातर फोन्स में आपको 4K 60 FPS पर स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पर आपको OIS और EIS दोनों देखने को मिलते हैं। 4K 60 FPS पर भी आपको EIS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, सो वीडियोस आर सुपर स्टेबल एंड 4K 60 FPS इज जस्ट अमेजिंग। इमेजेस वगैरह भी यहाँ पर काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है, एंड जब आप फोटोज लेंगे उस समय आपको लगेगा कि फोन शायद काफी स्लो है क्योंकि इसके अंदर पोस्ट प्रोसेसिंग काफी ज्यादा होती है, बट पोस्ट प्रोसेसिंग होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। काफी अच्छे नेचुरल फोटोग्राफ्स आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली जो पोर्ट्रेट्स हैं वो उनमें एच डिटेक्शन वगैरह काफी अच्छी है, फोटोज काफी ज्यादा शार्प आती है एंड डायनामिक रेंज भी काफी अच्छी है फोन की। सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर आपको नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट कैमरा ओनली 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है विद f2.0 अपर्चर और फ्रंट कैमरा से भी सेल्फीज काफ़ी अच्छी आई हैं फोटोज में, बैक पर भी जो है क्लैरिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है एंड पोर्ट्रेट शॉट्स आर अमेजिंग हियर। और जब आप फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है स्पीच एनहांसमेंट का, तो अगर आपके आसपास काफ़ी शोर हो रहा है रिकॉर्डिंग के टाइम देन यू कैन स्विच ऑन दैट स्पीच एनहांसमेंट ऑप्शन और उसको ऑन करने के बाद आपकी जो आवाज़ है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा क्लियर रिकॉर्ड होती है। तो आप मेरा कैमरा रिव्यू ज़रूर देखना। एंड वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू इन केस ऑफ परफॉर्मेंस वॉज दैट कि मतलब गूगल का एक और को प्रोसेसर जहाँ देखने को मिलता है जो कि है टाइटन M2 चिप एंड स्पेशली उसे इंस्टॉल किया गया है फ़ोन की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, तो जितने भी लोग गूगल के फ़ोन लेते हैं ये पिक्सल सीरीज के फ़ोन जो लोग भी लेते हैं उसमें 90% लोग इसके OS की वजह से इसे बाय करते हैं क्योंकि इसमें इतना क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, नॉट अ सिंगल ब्लोटवेयर और आपको जो है बहुत ही अच्छा फ्लूइड एक्सपीरियंस एकदम देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर का। डे वन पर ही आपको नेक्स्ट एंड्रॉयड का जो है एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आगे जब एंड्रॉयड 13 आएगा तो डे वन पर ही आपको इसके अंदर अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपकी प्रेफरेंस एक अच्छे सॉफ्टवेयर के अंदर डेफिनेटली दिस कैन बी योर चॉइस। बात कर लेते हैं बैटरी की, तो यहाँ आपको 4410 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड नॉट द चार्जर इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा बट आप कोई भी अपना पुराना टाइप सी वाला चार्जर यूज़ कर सकते हैं इसको चार्ज करने के लिए। 33 वॉट तक का चार्जर मैंने इसमें यूज़ किया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है। नाउ बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, तो ये फ़ोन जो मुझे पसंद आया, मैंने क्यों इस फ़ोन को बाय किया वो इसीलिए कि एक तो इस फ़ोन के अंदर आपको 19 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि इंटरनेशनली आप किसी भी कंट्री में चले जाएंगे वहाँ पर भी आपको 5G का सपोर्ट इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। बाकी इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है, डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिलता है, NFC का सपोर्ट देखने को मिलता है। नाउ बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो इस फोन को एक सिंगल वेरिएंट 6+128GB में लॉन्च किया गया है जिसका प्राइस 44,000 के अराउंड आपको देखने को मिलता है। एंड नाउ द फाइनल वर्डिक्ट, क्या आपको 44,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर ये फोन यानी कि गूगल पिक्सल 6a बाय करना चाहिए? तो चार वजहों से मुझे ये फोन काफी ज्यादा पसंद आया, इसका डिजाइन, इसका कैमरा, इसका सॉफ्टवेयर, इसकी सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी, स्पेशली द सपोर्ट ऑफ 19 5G बैंड्स विच मेक इट सूटेबल टू बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बात करते हैं मुझे इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, मुझे एक चीज़ ये अच्छी नहीं लगी कि 44,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पर यहाँ प्लास्टिक बैक आपको देखने को मिल रहा है, डिस्प्ले में 120Hz का ये रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, कैमरा के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, जो 4A में आपको स्पेक्स देखने को मिलते थे वही 6A में भी देखने को मिल रहे हैं, ऑल्दो फोटोज काफ़ी अच्छी आ जाती हैं और वीडियोस भी। चौथी चीज़ जो मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी कि जब हम थोड़ी देर तक वीडियो रिकॉर्डिंग्स करते हैं तो इसमें हीटिंग जो है फील होती है आपको बैक पैनल पे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर, एक अच्छा कैमरा और एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो इंटरनेशनली आप कहीं पर भी चले जाएं वहीं आपका 5G से कनेक्ट हो जाए,
देन डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस वन। वैसे इसका जो प्राइस है वो मुझे इसके स्पेक्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लगा, सो आई वुडेंट रिकमेंड इट एज अ वैल्यू फॉर मनी फ़ोन। लेकिन अगर जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे इस फ़ोन में, अगर वो आपकी प्रेफरेंस हैं, देन डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस वन।